तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो कि हमारे जो गाड़ी का जो इंजन है वो नीचे आ चुका था एंड उसके बोल्ट निकालने के लिए हमने स्पेशली इंदौर से बुलाए हुए हैं भाई साहब को, ये लेत वाले हैं जो कि बोल्ट्स को निकालने के लिए यहाँ तक आए हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से इंदौर करीबन हमारे 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है इंदौर, तो इंदौर से यहाँ पर आए हैं। एंड कल ये नहीं हो पाया क्योंकि जो कि काफ़ी शाम का टाइम हो गया था एंड जो कि भाई साहब है उनको फ़ोन लगा था, उन्होंने बोला मैं सुबह आके करूँगा, तो अभी फ़िलहाल सुबह आ चुके हैं। एंड जो कि बोल्ट हमारे फाउंडेशंस के हैं वो हम जो कि इसे निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे फाउंडेशन के बोल्ट निकालने के लिए यहाँ पर कुछ ड्रिल मशीन्स वगैरह लेके आए हैं और भाई साहब जो कि यही काम करते हैं बोल्ट्स को निकालना और जो कि एटलीस्ट वर्क जो कि होता है यानी कि हेड वगैरह जो कि ब्लॉक वगैरह सब कुछ इन्हीं के पास होता है हमारा, तो इन्हें स्पेशली हमने बुलाया है। तो फिलहाल ये जो कि बोल्ट्स हैं हमसे नहीं निकले जा रहे थे तो इन्हें हमने बुलाया है एंड ये ड्रिल मशीन लेके आए हुए हैं, तो ड्रिल मशीन से फटाक से उसे निकाल के जो कि हमारा काम है बहुत ही आसान हो जाएगा एंड जो कि हमारे इंजन के फाउंडेशन जो दिए हैं वो वापस डाल के हम इसको इंजन को कंप्लीट कर देंगे। तो इसी की वजह से जो कि कंप्रेसर का जो कि मेन पाइप है जो कि ब्लॉक में से आता है वो फट चुका था एंड उसी की वजह से जो कि पाइप है वो फट चुका था एंड ऑयल है सारा गिर गया था एंड गाड़ी जो की है वो बंद हो चुकी थी ऑटोमेटिक, तो यही कारण है। एंड अभी फ़िलहाल जो कि बोल्ट है वो हमारा खुल चुका है एंड ये भाई साहब कुछ लगा रहे हैं इसमें, उसके बाद में इसे निकाल देंगे। तो ये अगर चीज़ होती है आपके साथ में तो आप ज़रा से भी लापरवाही ना करें, बोल्ट आपको पूरे ही डालना है वरना क्या होगा कि इंजन का हल्का सा भी अगर झटका अगर लगेगा यानी कि गड्ढा वड्ढा कूदेगी गाड़ी तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको। बस यही चीज़ आपको हम जो कि इस वीडियोस में बताते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ आती है वो किस किस पोजीशन की वजह से क्या क्या मिस्टेक होती है, बस इसी के चलते हम जो कि इस वीडियो को बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कि बोल्ट से हमारा एक तो निकल गया, यहाँ पर आते हैं तो एक बोल्ट जो कि यहाँ पर बाहर आ चुका है एंड एक बोल्ट और है तो उसे निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि इंजन जो कि और नीचे नहीं आगा, ऊपर वाला जो कि हमारा ब्लॉक है उधर कंप्रेसर लगा हुआ है, इधर जो कि अल्टरनेटर लगा हुआ है वो टिक चुका है तो उसकी वजह से इंजन बस यहाँ पर आके रुक गया है। तो अगर वो अगर हम खोल देंगे तो आ जाता नीचे, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमने कहा कि उन्हें खोल दें तो जो कि लेट वाले जो भाई साहब है उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं से मैनेज कर लेंगे, तो फिलहाल ऊपर वाले बोल्ट को भी निकालेंगे। ये अगर चीज़ अगर आपकी गाड़ी में होती है यानी कि अगर आपकी गाड़ी के बोल्ट टूटे हुए हैं इंजन फाउंडेशन के जो कि ठीक है के, तो आप ज़रा से भी लापरवाही ना नहीं करनी है आपको, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो बोल्ट गलती से अगर टूट गए तो आपका इंजन नीचे ही गिरेगा एंड राफ्टर पर टकराएगा, अगर राफ्टर नहीं होगा तो सीधा नीचे ही आ जाएगा तो उससे काफ़ी नुकसान होगा। एंड अभी ये गाड़ी करीबन 3 दिन हो चुके हैं इसे, तो पहले दिन तो ये खड़ी रही थी एंड उसके बाद में जो कि बोल्ट चेक किया हमने एंड दूसरा काम था वो भी हमने किया एंड ये बोल्ट निकालने के लिए आज तीसरा दिन हो चुका है, तीसरी सुबह हो चुकी है इस गाड़ी को यहीं पे खड़े हुए, टोटल काम हो चुका है इस गाड़ी में, बस ये जो कि बोल्ट है इन्हीं की वजह से रुकी हुई है। एंड गाड़ी वाले जो भाई साहब वो तो कह रहे थे 2 पे ही कस दो या 3 पे कस दो, तो हमने कहा नहीं, हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, अभी इतना नुकसान हुआ है, अगर गलती से अगर फिर टूट गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इसी के चलते हम जो कि पूरा डाल रहे हैं यानी कि चारों बोल्ट कसेंगे इस साइड के उस साइड के। अब गलती मैनेज क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 बोल्ट इस साइड के टूटे हुए थे, 2 बोल्ट उस साइड के टूटे हुए थे, तो कहीं गड्ढा कूदने की वजह से जो कि इंजन फाउंडेशन के जो कि ठीक होते हैं वो टूट चुके थे तो इंजन उसकी वजह से नीचे आ गया था। बस यही चीज़ हम आपको इन वीडियोज़ में बताते रहते हैं, इसीलिए बोलता हूँ मैं वीडियोज़ को पूरा देखिए अगर जो कि ये देखना है आपको, अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपने सोचा है कि यार वीडियोज़ थोड़ी सी देख के आप स्क्रॉल कर दोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं पूरी बात आपको बताता हूँ पर आप वीडियोज़ को देखते नहीं हो, बस यही जो चीज़ है वो आपको वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा आपको वीडियो का समझ में आएगा एंड आपके पास भी अगर गाड़ी है तो फिर आपको पता चलेगा आपकी गाड़ी इसमें क्या क्या काम निकाल सकती है। हम हमारी जो वीडियोज़ हम इसी पे बनाते हैं कि गाड़ी हमारे पास आई है और कौन सी प्रॉब्लम उसमें आई है और किस वजह से आई है, बस यही चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी के जो कि फाउंडेशन में जो कि इतना खर्चा आया, अभी फ़िलहाल मैं आपका जो कि खर्चा बताता हूँ, जो कि भाई साहब लेत वाले जो निकाल के लाए हैं उनका ही खर्चा 3,000 हो चुका है। ठीक है, 3,000 रुपये इनका खर्चा हो चुका है एंड जो कि अभी फ़िलहाल जो कि बोल्ट निकाल रहे हैं हम, बोल्ट निकालने के बाद में उसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे एंड इसका टोटल खर्चा करीबन 4,000-4,500 के करीब में खर्चा आया हुआ है जो कि दोनों साइड का, इंजन फाउंडेशंस के जो ठीक हैं वो नए लेके आए हैं एंड जो कि निकालने का वर्क टोटल करके 3,000 रुपये तो सिर्फ बोल्ट निकालने के ही जो कि स्पेशली आए हुए हैं तो उन्होंने लिए हैं
तो यही चीज़ हम आपको दिखाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रा से भी लापरवाही नहीं करनी है आपको, बस यही चीज़ हम जो कि हमारी वीडियोस में हम बताते रहते हैं। और अभी तक जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करता, ऐसे ही जो कि व्हीकल से आइसर से रिलेटिव ज़्यादा वीडियोस हम जो कि हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कि बोल्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कि फ़िलहाल में जो कि बोल्ट निकाल दिए हैं एंड उस साइड के बोल्ट भी निकाल दिए गए हैं। तो अभी से गाड़ी को हम जो कि कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना है।